तो मुख्यमंत्री को क्या न्याय नहीं देना चाहते मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री की भी तो ये जिम्मेदारी बैठती है कि जहां जब पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं तो न्याय दे। तो सीबीआई जांच कराने में क्या डर लग रहा है? क्या कहीं उनका बेटा फंसने वाला है जो बचाया जा रहा है? नहीं डरेंगे गुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। तो हम जनता है, खींच के ले आएंगे सड़क में मुख्यमंत्री को। और तुम घबराना मत, हम सब लोग तुम्हारे साथ। बिल्कुल, जहाँ तुम्हारा पसीना पड़ेगा वहाँ खून देंगे भी मारमिया राजा समाज पार्टी के लोग। घबराना मत, ऐसी सरकार का जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित ना हो और उनको न्याय ना मिले, ऐसी सरकार क्या फायदा है? तो इस सरकार को भी जवाब देंगे और उन आरोपियों को भी सबक सिखाएंगे और भविष्य में ऐसा ना हो इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा भी करेंगे। परिवार मेरा परिवार है, मैं जीवन के अंतिम क्षण तक इससे रिश्ता निभाऊंगा और जब तक वो फांसी पर नहीं चढ़ते हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, उनको फांसी से सजा दिला कर। और जिन्होंने ये हमें कीड़े मकोड़े समझ के जो है ना इस मामले को इतने दिन दबा के रखा, उन अधिकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो, उन पर सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज हो, वो जेल जाए और उन नेताओं पर भी जिनके नाम खुल गए उनको भी जेल भेजा जाए। लेकिन इस मामले में न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे। क्या मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती? बड़ी बड़ी भाषण देने वाले मुख्यमंत्री कहेंगे कि कोई बहन बेटी तो उठा के देखेगा तो ये कर देंगे। आज वो मुख्यमंत्री क्या हमें साथ छोड़ा जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री जो खुद पिछड़े वर्ग से, तो उनकी नजरों में ये आदिवासी दलित क्या इंसान नहीं है? क्या हमारी बेटियों की इज्जत इज्जत नहीं है? तो जनता जवाब देगी। लेकिन मैं अपने लोगों से भी ये कह रहा हूँ कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा और हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखिए पुलिस की मौजूदगी में तो हुआ है। प्रशासन सरकार अगर उनको बचाने का प्रयास करेगी तो याद रखे सरकार बदलती रहती है। ये मुख्यमंत्री जो आज उनका संरक्षण कर रहा है, जब दोबारा चुनाव आएगा तो सड़क पे घूमता नजर आएगा। अगर जनता ने तय कर लिया तो ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है और जनता मांग रही है कि सीबीआई जांच हो। ये नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। हम जवाब लेंगे और अगर कल से हम लोग आज तय करेंगे, धरने स्टार्ट होंगे हर जिला मुख्यालय पे, विधानसभाओं पे, और अगर फिर भी मुख्यमंत्री नहीं जागे, चुप रहे, तो उनका घेराव करेंगे। और हमारे एक नारा है, कल किसी और परिवार के साथ ना हो ऐसा, इसमें खड़े रहना, तुम खड़े रहो और इसको नाच नचाएंगे आप देखते जाओ। बहुत और तुम लोग जाओ अंदर, अब बैठो और 10 लड़के लगाओ सुरक्षा में यहाँ परमानेंट 24 घंटे, ठीक है? जाओ तुम आराम करो।